जो बीजेपी वाले हैं वो ये कहते हैं कि ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी उस वो एक बड़ा मुद्दा बना, इसलिए हम चुनाव हारे। आप कैसे लागू करेंगे इसको? नहीं, बीजेपी के मुख्यमंत्री में इच्छा शक्ति नहीं थी। हम तो लागू कर रहे हैं, हमारी पहली कैबिनेट है, डायरेक्शन दे दी गई है। और ओपीएस लागू क्यों ना करें? जो भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी है उसने कहीं ना कहीं विकास की गाथा लिखी है, और जब उसका बुढ़ापे का समय आया, आजकल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आने वाले बुजुर्ग लोगों का समय बड़ा कठिन है। पहले तो परिवार इकट्ठे रहते थे, ज्वाइंट फैमिली होती थी, बच्चा बढ़कर ऐसे संस्कार दे दिए जाते थे कि आपको घर भी आना है, बेटी को भी घर आना है, बेटे को भी घर आना है। आज की परिस्थितियां बदल गई है दिमाग जी, जो नई जनरेशन है उनकी स्थिति सोचने की अलग हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में हम अपने देश के जो योगदान उन्होंने विकास में दिया उनको कैसे छोड़ सकते थे? हमने इसलिए ओपीएस देने का वादा किया। पर ये जो पीएफआरडीए है उसने मना कर दिया, पंजाब में मना हो गया, राजस्थान में ये मना हो चुका है। कोई बात नहीं, हम अपने संसाधनों से करेंगे। हमने बोला कि हमारी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एनपीए के तहत, तो इस बार की किश्त ना दी जाए, हम अपने तरीके से कर देंगे।